हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ अभी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन पर बात करने वाले हैं। यहां से बोर्ड एग्जाम में आपको एमसीक्यू या फिर टिप्पणी या विस्तृति के रूप में प्रश्न देखने को मिलता है। चलिए पहले बात करते हैं इसे दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन क्यों कहा जाता है। तो बात यह क्योंकि पुष्पी पादपों में निषेचन की घटना दो बार होती है। कितनी बार होती है? दो बार होती है। देखिए, एक निषेचन ये हो रहा है और एक निषेचन ये हो रहा है, तो निषेचन घटना कितनी बार घट रही है? आप कहोगे निषेचन घटना दो बार घट रही है, इसीलिए इसे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि यह पुष्पी पादपों की विशेषता है। कोई तुमसे पूछे कि दोहरा निषेचन किस पादप की विशेषता है, तो आपका आंसर होगा पुष्पी पादप। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें युग्मक शल्यन और त्रिशल्यन जैसी दो घटनाएं घटती हैं। आप कहोगे सर युग्मक शल्यन कहां है और त्रिशल्यन कहां है? तो यहां पर जो ये शल्यन हो रहा है इसे हम कहते हैं युग्मक शल्यन। क्या कहते हैं? युग्मक शल्यन, है ना। तो आपको यहां पर स्पष्ट रूप से युग्मक शल्यन दिख रहा होगा, ठीक है। और जो ये शल्यन हो रहा है यहां पर, जो ये शल्यन हो रहा है इसे हम त्रिशल्यन कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिशल्यन कहते हैं। तो वही कहा गया है कि इसमें युग्मक शल्यन और त्रिशल्यन की घटना देखने को मिलती है। अब प्रश्न आता है कि त्रिशल्यन क्या है और युग्मक शल्यन क्या है। तो हम पहले बात करते हैं त्रिशल्यन की। त्रिशल्यन क्या होता है? इसमें भ्रूण कोष बनता है। देखिए ये त्रिशल्यन है ना, इससे क्या बनता है? भ्रूण कोष बनता है। क्या बनता है? भ्रूण कोष बनता है। इसकी सूत्रभूता 3N होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट भूलना नहीं, ठीक है, है ना। कितनी होती है? 3N। इसमें एक नरयुग्मक, देखिए ये देखिए एक नरयुग्मक भाग ले रहा है, ठीक है, और दो ध्रुवी केंद्रक, ये दो ध्रुवी केंद्रक भाग ले रहे हैं, है ना। और इस प्रकार इन तीनों के मिलने की क्रिया को त्रिशल्यन कहा जाता है और इससे भ्रूण कोष बनता है। क्या बनता है? भ्रूण कोष बनता है। अब बात आती है कि युग्मक शल्यन क्या है। तो इसमें दो युग्मक भाग लेते हैं, कौन कौन? नर युग्मक और मादा युग्मक। देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका? युग्मक शल्यन। यहाँ पर दो युग्मक भाग ले रहे हैं, एक ये ले रहा है मादा युग्मक जो अंडकोशिका का केंद्रक है और एक ले रहा है नर युग्मक, ठीक है। दूसरा, इसमें युग्मक शल्यन से भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण बनता है। ये देखिए क्या बन गया? भ्रूण बन गया, है ना। इसकी सूत्रभूता क्या होती है? 2N होती है। और यहाँ पर एक पॉइंट आपको अच्छे से आना चाहिए, भ्रूण भ्रूण कोष को खाता है और उसका विकास होता है। यहाँ पर सूत्रभूता पर एक थोड़ा कई बुकों में ये भी लिखा जाता है N+N+N, ठीक है, है ना। तो यदि आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इसमें से जो भी आपको दिखाई पड़े उस पर टिक कर देना है, ठीक है। वैसे मुझसे पूछा जाए राइट आंसर क्या है तो फिर यही वाला है, ठीक है। इस प्रकार आप यहाँ पर दोहरा निषेचन और त्रिशल्यन और युग्मक शल्यन, है ना, और भ्रूण कोष और भ्रूण के विषय में अच्छे से काफी कुछ सीख गए होंगे। अब यदि इस पर टिप्पणी आदि कुछ आता है तो आपसे बेहतर तरीके से हो जाएगा। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।